अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईएनजी 301 का लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 हमारा है मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पहले वो सुन लें, उसके बाद आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है? हमारा रिटन या ओरल रिकॉर्ड किसी भी मीटिंग का जो होता है उसे हम कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इन अ टिपिकल बिजनेस मैनी कमेटीज एंड टास्क फोर्सेज ऑपरेट विद इन दी कंपनी। बहुत सी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी कमेटीज और टास्क फोर्सेज जो हैं कंपनी के साथ साथ जो है काम करती हैं। इनका बेसिकली कमेटीज का क्या मकसद होता है कि उन्हें एक वेरियस प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, उन पर डिस्कस करना होता है उन्होंने, और मैनेजमेंट को उसके बारे में रिकमेंडेशन करनी होती है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, टास्क फोर्स का क्या मकसद होता है? मेन टास्क फोर्स जो है ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिन्हें एक स्पेशल जो है प्रॉब्लम उन्हें दे दी जाती है, उन्होंने उसे सॉल्व करना होता है और उसके बारे में जो है टास्क जो उन्हें दिया जाता है उसके बारे में रिकमेंडेशन करनी होती है अपने मैनेजर्स को या अपने से ऊपर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको। तो द टास्क, जब ये टास्क जो है असाइन हो जाता है, टास्क कम्प्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये टास्क फोर्स जो है उसे डिसबैंड कर दिया जाता है, मतलब कि नेक्स्ट जो भी टास्क फोर्स होगी उसमें नए लोग होंगे। इस तरह से मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। मीटिंग कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटरी मीटिंग। अब जिसने एमजीटी 211 का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसे स्टेटरी मीटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, मीटर में था ये वाला टॉपिक इसका। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जस्ट जाएं एमजीटी 211 का जो है सब्जेक्ट उसके हैंड आउट निकाल के वहाँ से रीडिंग कर लें, इसके अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, स्टेटरी मीटिंग क्यों होल्ड की जाती है? क्योंकि अंडर लॉ इसकी डिमांड की जाती है कि 3 से 6 माह के दौरान के अंदर अंदर लाजमी एक दफा ये मीटिंग जो है हेल्ड की जाए। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग। इसमें कौन कौन सी मीटिंग आ जाती है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी, क्रेडिटर्स की, डायरेक्टर्स या उससे जो बड़े एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है इसमें। लेकिन इसका दौरानिया जो है वो फिक्स होता है, 3 से 6 माह के अंदर अंदर एक दफा लाजमी होनी होती है। नेक्स्ट मीटिंग है हमारी मैनेजेरियल मीटिंग। मैनेजेरियल मीटिंग में क्या होता है कि कंपनी के जो भी प्रोग्रेस के अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। कोई नई पॉलिसी अगर बनाई गई है कंपनी में या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टास्क अगर असाइन किया जाता है तो उसकी ब्रीफिंग है। इस तरह के काम जो सारे मैनेजेरियल मीटिंग में होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव मीटिंग क्या होती है? इसमें जो है नई पॉलिसीज के बारे में, नए आइडियाज या कंपनी की प्रोग्रेस के लिए नए आइडियाज अगर हैं एम्प्लॉयज के पास तो उनको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हेल्ड की जाती है। निगोशिएटिंग मीटिंग क्या होती है? टू रीच अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह से बनाया जाए कि दोनों साइड के जो लोग हैं उनको उनका इंटरेस्ट जो है दोनों साइड का बरकरार रखा जाए। जैसे कि अगर मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन है तो उनके दरमियान में जो है एम्प्लॉयज की जो पे है उसको इंक्रीज करने के लिए डिसीजन लिए जाएं। इस तरह की मीटिंग्स होती है, निगोशिएटिंग मीटिंग में आती हैं। ठीक है, लास्ट में आ जाती है हमारी जनरल और पब्लिक मीटिंग्स। तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत लार्ज स्केल पे जो ऑडियंस को अगर किसी चीज़ के बारे में आगाह करना हो तो इस काम के लिए जो है जनरल या पब्लिक, जैसे कि पब्लिक से शोर है तो बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन फ्राहम करना होता है उसको हम कहते हैं जनरल मीटिंग्स। एनुअल जनरल मीटिंग्स हो गई जो सालाना होती है, साल बाद होती है मीटिंग, के एक साल में सिर्फ एक दफ़ा होती है ये वाली मीटिंग। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द मीटिंग एंड देयर रोल्स। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं मीटिंग में और इनके रोल कौन कौन से होते हैं? चेयरमैन रोल, चेयरमैन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका रोल क्या होता है कि उसने कमेटी का जो सारा वर्क है कोऑर्डिनेट करना है, कमेटी को गाइड करना है, उनका काम किस तरह से चलेगा वो सारे काम इसने देखने होते हैं। ठीक है, सेक्रेटरीज रोल। अब सेक्रेटरी ने क्या करना होता है? चेयरमैन का राइट हैंड होता है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजर होता है अपनी कमेटी का, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वो सारा इसने देखना होता है। ट्रेडर का रोल क्या होता है कि उसने सारा जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करना है, कमेटी की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको सबको उसने अपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, दी कमेटी मेंबर्स रोल। कमेटी के मेंबर्स का क्या काम होता है कि उन्होंने जितने भी मीटिंग्स हेल्ड हो उनमें पार्टिसिपेट करना होता है, जो काम उन्हें डेलीगेट कर दिया जाए, जो भी टास्क उन्हें दे दिया जाए उन्होंने वो कम्प्लीट करना होता है। ठीक है, तो स्पेशल टर्म्स फॉर मीटिंग, जो मेन मकसद जो होते हैं मीटिंग से उनमें एडहॉक मीटिंग आ जाती है, मतलब एक खास पर्पज के लिए कोई मीटिंग हेल्ड किया जाए तो उसे एडहॉक कहते हैं। एडवाइजरी मीटिंग्स, मतलब किसी भी एक प्रॉब्लम पे जो है सजेशंस या एडवाइस देनी हो किसी अपने एम्प्लॉयर को तो वो एडवाइजरी मीटिंग्स होती हैं। एजेंडा जो होता है, टाइम टेबल बनाना होता है अपने आइटम्स का डिस्कशन के लिए मीटिंग के अंदर, के क्या उनको ऐसी चीज़ें कब कब आपने डिस्कस करनी है टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग आ जाती है, वही सालाना मीटिंग पब्लिक मीटिंग जिसको कहते हैं हम। ठीक है, अपोलॉजीज आ गई कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कोई शख्स एब्सेंट था तो उसका रिटन या ओरल आपने एक्सक्यूज जो है वो देना है कि वो क्यों नहीं आ सका उस टाइम पे। ठीक है,
देन चेयरमैन का है, वही कोऑर्डिनेटर होता है कमेटी का, उसने सारे काम जो देखने होते हैं। चेयरमैन एजेंडा होता वैसे ही है सिंपल एजेंडे की तरह, लेकिन इसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है गाइडेंस के लिए, वो फ्राहम की जाती है। आगे एग्जेक्टिव आ जाता है, हैविंग पावर टू एक्ट अपॉन एंड कैरी आउट डिसीजंस। इसने डिसीजन लेने होते हैं और इन डिसीजन में काम करवाना होता है। एक्स ऑफिशियो बाय रीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑफिस और पोस्ट, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑफिस या पोस्ट पे जो है उसने रीजन जो है फ्राहम करनी होती है। ऑनरेरी परफॉर्मिंग अ ड्यूटी विदाउट पेमेंट, मतलब पेमेंट लिए बगैर कोई भी ड्यूटी अगर सर अंजाम दे रहा है तो उसे ऑनरेरी मीटिंग कहते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वही चीज़ आगे के रिटर्न समरी होती है, रिटर्न या ओरल समरी किसी भी बिजनेस मीटिंग की, ठीक है। मोशन अ टॉपिक फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए जो भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है फॉर्मली उसे मोशन कहते हैं। देन नेमकॉन, कोई भी शख्स जो उस पर एग्री ना कर रहा हो डिस्कशन का जो टॉपिक है उस पर, तो उसे नेमकॉन कहते हैं। अपोजर, जो उसके अगेंस्ट बोल रहा हो उसे अपोजर कहते हैं। अगर कोई शख्स जो मोशन जो है उन्होंने आपने इंट्रोड्यूस कराया है उसके अगर फेवर में बोल रहा है तो उसे प्रपोजर कहते हैं। देन रेजोल्यूशन जो है, अ डिसीजन रीच्ड आफ्टर अ वोट एट फॉर्मल मीटिंग्स, मतलब कि फॉर्मल मीटिंग में वोट के थ्रू अगर कोई डिसीजन लिया गया तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर, वही दोबारा आ गया, साइन डाई इंडेफिनेटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन विच हैज एन इंडेफिनेट टर्म ऑफ ऑफिस। ट्रेजरर, फाइनेंशियल गार्डन के उसे सारी जो फाइनेंशियली जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी देखनी होती हैं, मतलब ये सारे जो है मेन पर्पज होते हैं किसी भी मीटिंग के, ठीक है। मिनट्स ऑफ द इनफॉर्मल मीटिंग, रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। वही के किसी भी मीटिंग के जो कार्रवाई है उसका रिटर्न रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे कि इनफॉर्मल बिजनेस में जो इनफॉर्मल मीटिंग होती हैं उनका सेम टू सेम उनके मिनट्स भी जो है इनफॉर्मल ही होंगे। द मिनट्स यूजुअली इंक्लूड द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, द नेम ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अ लिस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट एंड द टाइम ऑफ एडजर्नमेंट। वही चीज़ें आगे, मिनट्स में क्या क्या होता है, डेट होती है जिसपे आपका मीटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। टाइम, उस दिन पे किस टाइम पे आप मीटिंग होगी, मीटिंग की जगह क्या होगी, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उसका नाम, जो लोग प्रेजेंट होंगे उनके नेम, मतलब इस तरह की सारी डिटेल जो है मिनट्स ऑफ द इनफॉर्मल मीटिंग फॉर्मल मीटिंग में आ जाती है। सॉरी, मिनट्स आर यूजुअली डुप्लीकेटेड एंड कॉपीज आर सेंड टू ईच पर्सन प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड टू अदर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स। मतलब के मिनट्स जो है डुप्लीकेटेड होती हैं, इनकी कॉपीज बना के हर पर्सन को जिसने मीटिंग अटेंड करनी होती है हर पर्सन को पर्सनली भेजी जाती हैं, ठीक है। मिनट्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल मिनट्स डू नॉट इंक्लूड डिस्कशन। जैसे कि इनफॉर्मल मीटिंग में लॉन्ग लॉन्ग मीटिंग्स होती हैं, तो इनफॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं उनमें ज़्यादातर डिस्कशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इन जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारी डिस्कशन इंक्लूड नहीं होती, ओनली मोशंस, रेजोल्यूशंस, कमेटी असाइनमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि जो मोशन है, इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ आपको वो है, रेजोल्यूशन है, कमेटी के असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। आल्सो नोट दैट मोशन शुड बी वर्डेड स्पेसिफिकली फॉलोड बाई द नेम ऑफ द पर्सन हु मेड द मोशन एंड द नेम ऑफ हु सेकेंडेड। मतलब के मोशन में जो है वर्डली ये चीज़ इंक्लूड होंगे, किस पर्सन ने जो मोशन है जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो लिखा है और किसने उसको ब्रीफ किया है, ठीक है। इन चीज़ों को लाजमी इंक्लूड किया जाए। पैराग्राफ गिविंग द रीजन फॉर रेजोल्यूशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड वेयर एज। जो पैराग्राफ जो है रेजोल्यूशन को जो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं उनको वेयर एज लिखना है, उसके बाद उसके इसके आगे कॉमा लगाना है, एंड देन द पैराग्राफ स्टार्टिंग द एक्शन टू बी टेकन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड रिजॉल्व, ठीक है। आगे ये एक सैम्पल है जस्ट उसका, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, ये आपने रीड कर लेना है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। प्रोड्यूसिंग द मिनट्स, आप अपने मिनट्स को जो है आपने सैम्पल किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो है इस चीज़ का रखा जाता है कि क्या फाइनल डिसीजन बोर्ड के थ्रू निकला है, बस आपने वो लिखना है, ठीक है। और बाकी जो जो भी नेगेटिव उसके कमेंट्स आए लोगों की तरफ से, कोई कोई डिसएग्री हुए उस पर, किसी ने आर्ग्यूमेंट किया, तो वो सारा जो रिकॉर्ड है वो अनरिटन या अनरिकॉर्डेड छोड़ दिया जाता है। उसमें सिर्फ जो लेंथी डिसीजन होता है वो आपने लिखना होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, डिसीजन को समराइज कर दिया गया यहाँ पे। इट वॉज रिजॉल्व दैट कंपनीज लिबर्टी ब्रांच बी क्लोज विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2006 एंड प्रेमिसेस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ऑफर्ड फॉर सेल। जो उसका जस्ट उन्होंने कंक्लूजन निकाल दी कि ये डिसाइड किया गया है इस कंपनी के बारे में। अब मीटिंग के दौरान तो बहुत से ऐसे तरफ बातें भी हो जाती हैं, बहुत से पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उन सब को उन्होंने इग्नोर करके जस्ट रिजोल्यूशन जो थी उन्होंने लास्ट जो फाइनल डिसीजन था वो लिखा है, ठीक है।
Otherwise, the items apologies for absence, minutes of last meeting, matters arising and the date of next meeting follow the pattern of narrative meetings. अब जो लेंथी चीजें होंगी, जैसे कि जो जो लोग एब्सेंट हैं उनकी अपॉलोजीज, देन लास्ट मीटिंग के जो डिटेल्स हैं वो, फिर नेक्स्ट मीटिंग का डेट कौन सी होगी, ये सारी चीजें जो हैं वो नैरेटिव मिनट्स में आ जाती हैं. नैरेटिव मिनट्स टेल मोर द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हु सेड व्हाट एट अ मीटिंग. मतलब कि किस शख्स ने एक मीटिंग में क्या कहा और क्या क्या हुआ, वो सारी जो स्टोरी है एक मीटिंग की, वो जो है नैरेटिव मीटिंग्स के अंदर चली जाती है, नैरेटिव मिनट्स के अंदर चला जाता है रिकॉर्ड. कि एक एक चीज को नोट डाउन करना, किस शख्स ने क्या कहा, किसका क्या कॉमेंट रहा, एक एक चीज की डिटेल जो लिखना है वो नैरेटिव मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आ जाती है. जब इस तरह के जो मिनट्स होते हैं, अगर कोई भी दूसरा शख्स आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी शख्स आपकी मिनट्स को रीड करेगा इस तरह से, तो उसको जो है बेटर तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कमेटीज या टास्क फोर्सेज जो हैं किस तरह से काम कर रही हैं और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है. ठीक है, देन केयर रिगार्डिंग नरेशन. केयर क्या क्या रखनी है आपने, कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने वर्ब टेंसेस का इस्तेमाल अच्छे से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी. टाइम इंटरवल जो है एक्चुअल डिस्कशन के दरमियान जो रहा उसको आपने ज्यादा इतना लेंथी नहीं कर देना कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि क्या हुआ. जैसे ही सेड ही वुड कॉन्टेक्ट द सप्लायर्स नेक्स्ट वीक, उसने कहा कि वो अगले हफ्ते में अपने सप्लायर्स के साथ बात करेगा. अब नेक्स्ट वीक का एक और मतलब होता है, अगर आप अकेला नेक्स्ट लिखे और आफ्टर दरमियान में आपकी कोई और डिस्कशन शुरू हो गई और आप लास्ट में वीक कह दें तो वो एक और मतलब लग जाता है उसका. ठीक है, आगे जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. आपने क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच के बजाय आपने इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है, और ज्यादा बेटर है कि आप रिपोर्टेड स्पीच का वर्जन यूज करें. अब जैसे डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई मिस द बस, ये डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, अगर इनडायरेक्ट में आप इसको कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ी होगी 9th 10th में काफी डिटेल से. इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे कि ही सेड दैट ही वाज सॉरी ही वाज लेट, उसने कहा कि वो उसे बहुत अफसोस हुआ वो लेट था और इसने मिस अपनी जो है बस मिस कर दी है. ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच के वर्जन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारा क्या बनेगा कि ही अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट. मोर प्रिसाइज कर दिया कि बार बार तो ही सेड अगर यूज करेंगे इस तरह से कन्फ्यूजन बन जाती है कि ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आती अगले इंसान को. ठीक है, तो आपने मोर अप्रोप्रिएट लिखना है इसको, तो ही अपोलोजाइज फॉर बींग लेट, ही हैड मिस द बस. ठीक है, आगे चार रूल्स हैं हमारे इसके. नंबर फर्स्ट पे प्रोनाउंस या पर्सन जो आपने वो अपने एहतियात से चूज करने हैं. नंबर टू पे आपने जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, टेंसेस ऑफ वर्ब्स होते हैं, उनको आपने लिखते वक्त अप्रोप्रिएट रखना है. नंबर थ्री पे आपने डिस्टेंसिंग इफेक्ट, वही नेक्स्ट वीक वाला जो हमने ऊपर पढ़ा, इस तरह से डिस्टेंसिंग इफेक्ट का आपने ख्याल रखना है. और नंबर फोर्थ पे आपने जो है कन्वे द टोन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, के आपने डायरेक्ट स्पीच में एहतियात करनी है. आप बेहतर है कि आप रिपोर्टेड स्पीच का यूज करें, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो एक डल इफेक्ट पड़ेगा आपकी रिपोर्ट का. ही सेड शी सेड बार बार एक ही लफ्ज आप दोहराए जाएंगे तो उसकी समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.